जेठालाल अभी सोसाइटी वाले सब पूछ रहे कि 50,000 रुपए की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो तुम कहना क्या चाहते हो, 50,000 की जिम्मेदारी मैं लूं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उसको काम का कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों ने दिया है, तो उससे काम कैसे करवाने का, कब कितना पैसा देने का, वो सब तुम लोगों की जिम्मेदारी है भाई। मुझे बार बार फोन करके परेशान क्यों करते हो? 50,000 तो क्या, 5,000 भी नहीं दूंगा। हेलो, अच्छा नितिन भाई मैं क्या कहता हूँ, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, 47 में डन करो, चलो 47 बस। सॉरी आप थोड़े लेट हो गए, प्लॉट बिक गया। बिक गया? किसको बेचा आपने? हमारे अलावा और कोई है भी नहीं यहाँ पे। अरे इसके पहले मैं जिसको प्लॉट दिखाने यहाँ ले आया था ना, वो अभी ऑफिस में गया और 51 में सौदा डन कर दिया। हाँ ऐसा खींच के बांधो। हाँ हाँ, ओ जरा बांबू ऐसा लो, दोनों जॉइंट बांधो। हाँ चलो चलो, हाँ बस वो दोरे ऐसा लो, बांबू निकालो थोड़ा ऐसा। वाह 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 भाइयों, मुबारक हो, आखिरकार सोसाइटी में काम शुरू हो गया। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मैं तो नजर ही नहीं आ रहा था। ओ दादा जरा कसके बांधो ना, तो लगेगा किसी को। अरे बेटे भाई अब चिंता मत करो, ये लोग अपना काम अच्छी तरह से जानते हैं सब। ये अरे ओ भाई संभाल संभाल संभाल, इधर आ जाओ यहाँ पर। अरे आप लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ बैठा हूँ ना भाई, इसीलिए तो टेंशन है। और इधर बैठना नहीं है बका, काम करना है, खड़े रह के चल के थोड़ा सा। बका काम एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, प्लास्टरिंग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और अगर हमारी सोसाइटी में कोई क्रैक रह गया तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं चेक करूंगा रिनोवेशन के बाद। मतलब कुछ ऐसा कर दो कि रिनोवेशन के बाद हमारी सोसाइटी जो है वो लोहे जैसी हो जाए। सब हो जाएगा अगर ये सारी शर्तें हैं ना पोपटलाल, काम की तो ये काम 5-1 साल में पूरा हो जाए। 5 साल? नहीं नहीं, काम जल्दी भी खत्म हो सकता है अगर सारे सोसाइटी वाले कोऑपरेट करें तो। राइट, हाँ ये महत्व से कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है। नहीं नहीं मेहता साहब, आपका कहने का मतलब क्या है, मैं सब समझता हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं सोसाइटी में कॉपरेट करता ही नहीं? सही बात है। अरे मेरा मतलब है पोपटलाल, मेहता साहब जो बोल रहे हैं ना वो सही बात है। हाँ इसका मतलब ये है कि सहयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोऑपरेशन करना पड़ेगा पोपटलाल। ठीक है और बक्का भाई आप अपने मजदूरों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे? हाँ बका, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार, ये मजदूर इतना जोखम में काम करते हैं और इतने ऊपर चढ़ के बैम्बू वगैरह बांध रहे हैं, तो इनकी सेफ्टी विफ्टी का ख्याल रखना भाई। और हाँ भाई बका, ये जितने भी वर्कर्स काम करें उन सबका इंश्योरेंस है ना? पहले तो ये बता के इंश्योरेंस का मतलब मालूम है तुझे? पॉलिसी नंबर दिखाओ। अभी सबसे महत्वपूर्ण सूचना सुनिए, अपने कंपाउंड का जो एंट्रेंस है वो कुछ दिनों बाद बंद होने वाला है। हाँ तो बाहर आने जाने के लिए हम लोग पर्यायी गेट का उपयोग करेंगे। है? कौन सा गेट? पर्यायी गेट मतलब अल्टरनेटिव गेट। अभी हिंदी में बोला तो आया समझ। मैं बताता हूँ, आइए यहाँ पे। ये जो क्लब हाउस का गेट है ये है हमारा पर्यायी गेट। यहीं से बाहर जाना है और वहाँ जो कंपाउंड के एंट्रेंस के पास दूसरा गेट है वहाँ से बाहर निकलना है। पर उस गेट की हालत कैसी है बेटे, क्योंकि वो गेट यूज नहीं होता है। हाँ बहुत अच्छी है, अब दिखाता हूँ मैं, आइए चलो चलो चलो। और ये रहा दूसरा गेट, मतलब वहाँ से आके हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। अरे गेट तो पता ही है ना बेटे, लेकिन वो रास्ता ठीक ठाक है या नहीं दोनों दरवाजों के बीच? नहीं नहीं वो सब करवा लेंगे। नहीं नहीं करवा लेंगे का क्या मतलब है भाई बेटे, मेरे लिए तो ये पूरा मामला एकदम इनकन्वीनियंट है, ऐसे सी विंग से ऐसे निकलने का और घूम के ऐसे बाहर आने का। और अगर अंदर जाना हो सोसाइटी में तो यहाँ से ऐसे घूम के आना है और फिर सी विंग के अंदर जाना है। नहीं नहीं ये नहीं चलेगा भाई। रास्ता बनवा लो। क्यों, अभी लंबा नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, खुद लंबा होने से अच्छा रास्ता लंबा हो जाए। क्या मेहता साहब। तो भाई मैंने सब बता दिया, अभी सब क्लियर हो गया है? नहीं नहीं भिड़े मास्टर, एक समस्या बाकी है। बोलिए। वो क्या है ना कि सोसाइटी के रिनोवेशन के चक्कर में मेरा बोर्ड निकाल दिया है, अब मेरे नए मरीज आएंगे कैसे, उनको पता कैसे चलेगा डॉक्टर हंसराज हाथी यहाँ रहता है। तो
एक काम करो ना डॉक्टर आती, आप थोड़े दिन के लिए सोसाइटी के बाहर अब्दुल की दुकान के पास शिफ्ट हो जाओ, अब्दुल की दुकान के पास डॉक्टर आती की दुकान। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब आप भी? अरे आती भाई, मेहता साहब मजाक कर रहे भाई। एक काम करेंगे, आपका बोर्ड हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर एरो बना देना। हाँ हाँ, वो सब हो जाएगा। अरे गैरों के लिए लग सकता है एरो, आप तो अपने। ठीक है, बस हो गया। और हाँ, अनीता को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कुछ दिनों के लिए हम लोग बाहर आके ही सब्जी लेंगे। एक बात और, अय्यर भाई और जेठा भाई का घर बंद है, हम सब तो ध्यान रखेंगे ही, पर आप बका भाई को भी कह देना कि ध्यान रखे। नहीं, उसका टेंशन मत लीजिए आप, क्योंकि बका ने बोला है उसके सारे मजदूर विश्वासु है। जी ठीक है भाई। भिड़े तू एक काम कर, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है ना वो एक बार बोर्ड पे लिख दे तो सब लोग पढ़ लेंगे। इसमें कहने की क्या बात है पोपट लाल, ये भिड़े के नित्य क्रम में शामिल, अभी जाके लिखने ही वाला है। सही बात है। वैसे एक बात है दोस्तों, अल्टीमेटली काम शुरू हो गया भाई। काम में थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर होंगी, लेकिन सोसाइटी का रंग रूप अब बदलने वाला है। यस। बागा, क्या हुआ, वो क्यों है, कोई बीमार है? नहीं तो कोई नहीं। अरे तुम रो क्यों रहा है? मुझे नटू काका की याद आ रही है, हमारे मगई पान जैसी जोड़ी टूट गई। अरे तू उसमें इतना छोटे बच्चे की तरह रोता क्यों है? अरे फोन करके बात कर ले। हाँ बापूजी, ये भी ठीक है, अभी नटू काका को फोन करता हूँ। सब पेमेंट आ गया, बस एक अजीत भाई का बाकी है, लगता है उन्हीं का फोन है। हेलो। हाँ नटू काका, कच्छ से बाघा बोल रहा हूँ। अरे बाघा बॉय, कैसे हैं आपके हालचाल? अरे बाघा, मैं तो यहाँ दुकान के काम में बहुत बिजी हूँ, तेरे और सेठ जी के बिना दुकान में सूना सूना लगता है। अच्छा तू कैसा है वो बता। मैं ठीक हूँ नटू काका। अच्छा ये बता, सेठ जी, सेठानी जी, टप्पू सेठ, बापू जी सब ठीक है ना? हाँ हाँ, बापू जी, सेठ जी, सभी लोग एकदम ठीक है। अच्छा ये बता, कच्छ में ठंड कैसी है? ठंड? अरे ठंड का तो पूछो ही मत नटू काका, शाम होते ही हो ऐसे हो जाता है। अच्छा बागा, दुकान की चिंता तू मत करना, हा? बराबर कच्छ में घूमना फिरना, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। और देखना वहाँ के सब जगह के फोटो बराबर लेके आना। नटू काका, आके सब फोटो दिखाऊंगा। चल बागा, अपना और सबका ध्यान रखना। हा? हाँ हाँ। अच्छा अभी बाद में बात करते हैं, अभी मैं फोन रखता हूँ। जी ठीक है। बागा। हाँ, बात हो गई नटू काका से, अब शांति हो गई ना तुझे? रोएगा तो नहीं ना? चल चल अब जल्दी से तैयार हो जा, पतंग उत्सव में जाना है। चल भाई। हेलो भिड़े भाई। अरे अंजलि भाभी, कोमल भाभी, आप आइए आइए बैठिए, मैं माधवी को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, माधवी भाभी से नहीं, आपसे काम है। अच्छा एक मिनट ना। हाँ आइए बोलिए। भिड़े भाई, एक्चुअली आपसे छोटा सा काम था, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए ना। भिड़े भाई, जब से बिल्डिंग में बांबू बांधे है ना, हम लोग बाहर कपड़े सुखा ही नहीं पा रहे। मैं क्या कर सकता हूँ? आप सिर्फ ये बताइए कि हम कपड़े सुखाए कहाँ। हाँ। उसमें क्या है, आप टेरेस पे सुखाइए, आजकल माधवी पापड़ भी वहीं सुखा रही है। ओहो, साड़ी को इस्त्री की कि नहीं अभी तक? नहीं, करते ही करते। अरे आप लोग कब आए? बस अभी अभी आए। वैसे एक बात है, हाँ अपनी सोसाइटी में रिनोवेशन के कारण कुछ दिन के लिए सोसाइटी का माहौल बदल जाएगा। जैसे? जैसे टप्पू सेना ग्राउंड में खेलेंगी नहीं, किसी खिड़की के कांच टूटेंगे नहीं। दया भाभी का गैलरी से टप्पू के पापा
सुनाई नहीं देगा। अरे अपनी महिला मंडल की रात की मीटिंग कहाँ होगी? अया हो खराज, और थोड़े दिन के लिए पोपट भौजी का वो डायलॉग भी नहीं सुनाई देगा। कैंसल कैंसल कैंसल। वाह माधवी, पोपट लड़की क्या आवाज निकाली तुमने, एकदम डिट्टो। क्या हुआ पोपटलाल? रिश्ता कैंसल। रिश्ता कैंसल? क्या हुआ, क्या बोल रहे हो तुम? अरे भिड़े, आज तेरी वजह से मेरा घर बसते बसते टूट गया, मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट भौजी आप शांत हो जाइए और पहले बताइए तो सही क्या हुआ। क्या बताऊं माधवी भाभी, वो हुआ ये कि मैं घर से निकला ऑफिस जाने के लिए और मुझे एक फोन आया। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया काम करना है। हेलो, आप पत्रकार पोपटलाल बोल रहे हैं? हाँ कहिए। वो दर्शन भाई ने आपका नंबर दिया था रिश्ते के लिए। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो दरवाजा बंद कर रहा था ना तो वो कड़ी में जरा उंगली फंस गई थी। आप मिस पूनम बोल रही हैं? नहीं, मैं पूनम की माँ सुधा बोल रही हूँ। अरे वाह, डायरेक्ट सासू जी का फोन। मैं और पूनम आपके घर आने की सोच रहे हैं। अरे ये टूटे फूटे घर में कैसे बुलाऊं? सॉरी। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप क्यों तकलीफ ले रही है, मैं ही आपके घर आ जाता हूँ ना। अरे भाई इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी पूनम को बहुत अच्छा लड़का मिल जाए। बोलिए बोलिए, कब आए हम आपके घर? एक काम करते हैं, आपका घर नहीं मेरा घर नहीं, हम कहीं बाहर अच्छी होटल में मिलते हैं। अरे होटल में मिलके क्या करेंगे, आपके घर आएंगे तो आपका घर भी देख लेंगे। लेकिन घर देखने जैसी हालत में है कहाँ। हेलो हेलो पत्रकार जी, देखिए आप एक काम कीजिए, आप एक महीने बाद आइए, तब तक घर भी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम एक महीने तक नहीं रुक सकते, पूनम के लिए और भी बहुत से रिश्ते आ रहे हैं। अरे सुनिए, आपको मुझसे अच्छा लड़का और कहीं नहीं मिलेगा। लड़का अच्छा है तो क्या हुआ, उसका खुद का घर भी तो अच्छा होना चाहिए, हमें आपसे रिश्ता नहीं करना है। ओहो हो, मतलब तुम्हारी जिंदगी में पूनम से पहले अमावस आ गई। क्या है, अमावस आ गई। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब इसकी वजह से हुआ। मेरी वजह से? भाई इसमें मेरा क्या दोष है? सारा दोष तेरा ही है। अगर तूने सोसाइटी का काम टाइम पे शुरू करवाया होता तो अब तक खत्म भी हो गया होता और मेरा रिश्ता होते होते नहीं टूटता। पोपट भौजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे माधवी भाभी कैसे चिंता नहीं करूं, जिंदगी में पहली बार सामने से फोन आया था रिश्ते के लिए। पोपट लाल भाई आप शांत हो जाइए, आपने दया भाभी से कहा है ना कि वो आशापुरा माँ से प्रार्थना करे कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, तो हो सकता है कि दया भाभी आपके लिए इससे भी अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आए। अच्छा तो मैं काम करता हूँ, अभी दया भाभी को फोन करता हूँ और बता देता हूँ कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए। Beggars can't be choosers. क्या बोला? नहीं नहीं कुछ नहीं। फोन दे मुझे। अरे पोपटलाल भाई अभी रहने दीजिए, वो लोग वहाँ पतंग महोत्सव में बिजी होंगे, बाद में बात कर लेना। पता नहीं मेरी जिंदगी में पतंग महोत्सव कब आएगा, मेरी शादी की पतंग आसमान में उड़ेगी भी या नहीं। अरे चलो जल्दी, अब फेस्टिवल चालू हो जाएगा। अरे टप्पू से ना क्या, टप्पू भाई टप्पू आगे आगे। अरे यहां पर यहां पर आ जा आ जा आ जा पापा, चलो 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 चलो, रण में ऐसे ही जाना पड़ता है। सॉरी बापूजी सॉरी। अरे क्या कर रहा है बगा, तू बापूजी का ध्यान रखने के लिए आया कि बापूजी तेरा ध्यान रखने के लिए आए? नहीं सेठ जी, ध्यान तो मैं ही बापूजी का रख रहा हूँ, लेकिन वो स्लोप में जरा मेरा बैलेंस एकदम ऐसे पीछे चला गया था। तो फर्स्ट में डाल चढ़ जाएगा, चल गाड़ी। देखो बापूजी संभाल के, लोखंड का आराम से ऊपर संभालना, संभाल ये 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 संभालना भाई, ऐसे ऐसे नीचे से आगे आगे आगे। बोलो आसम पूरे माता की जय, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जग देख कच्छे। आज सब लोग होते तो मजा आता है। बाकी यार गोकुल धाम वालों को मिस कर रहे हैं हम लोग। मेहता साहब, अंजलि बब्बी, भिड़े भाई, माधवी बब्बी, बब्बू उनके तो शादी के लिए लड़की ढूंढ लेते हैं यार। आज भाई आए होते तो
अरे देखो छोटे उस तरफ है ना बॉर्डर है, बॉर्डर के उस तरफ वो पाकिस्तान है। अरे वाह जो भा हरी बम रबरी अरे 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 कम जो भा कम जो मजा मजा तू तो ननको तो दादी जो हो तो हां अभी अपने बचाओ गांव के सरपंच है। अरे वाह 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 टप्पू दादाजी बोला रे हसन जो भा हां अरे वाह भाई वाह ये टिपेंद्र टिपेंद्र बहुत होशियार है टप्पू जी ये मेरा भाई बहन है। मेरा बहुत ख्याल रखती है बहू। हम लोग सब इधर आए रण उत्सव में, हमारे सोसाइटी वाले भी आए। शांति से मिलते हैं आऊंगा गाँव में। मोदी भाई रह गए मुझे मोदी ये आशीष मोदी है आशीष मोदी। ये पूरा दिन वो टॉप लेफ्ट पे बैठता है, बहुत टेंशन लेता है जिंदगी में। अरे अभी बाबूजी टेंशन छोड़ दिया अभी अभी रण में सोच लिया असली मजा सबसे ज्यादा। कच्छ के सफेद रण में उड़ती हुई रंग बिरंगी विविध किस्म की पतंग है भाई। ये पतंग कितना आनंद देती है, सच कहा है किसी ने, असली मजा सबके साथ आता है, असली मजा परिवार के साथ आता है। लेकिन जीवन में हम पतंगों से एक चीज कभी नहीं सीखते कि भाई आपस में पेच नहीं लड़ाना चाहिए। जैसे मेरे दो मित्र, उनके जीवन में आपस के पेच लड़ते ही रहते हैं, आप तो जानते हैं उन्हें, जेठालाल और अय्यर। और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि बड़े दिन हो गए इनके आपस में कोई पेच नहीं लड़े, तो मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। इनके बीच की नोक झोंक ऐसे तो बंद नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ जरूर होगा, कोई ना कोई पेच जरूर लड़ेगा। अब कच्छ के रण में वैसे तो कल और भी हंगामे होने वाले हैं। हमारे जो मित्र हैं गोकुल धाम से जो कच्छ की यात्रा पे गए, वो अभी कच्छी भोजन का स्वाद लेंगे, मसालेदार कच्छी भोजन खाएंगे। और वैसे मैं ये देख रहा हूं मित्रों कि अभी तक तो ये यात्रा बिल्कुल सीधी सड़क पे जैसे यात्रा होती है वैसे चल रही है, लेकिन कब
पहाड़ आ जाए, मोड़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि जेठालाल या उसके परिवार के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। अब ये अगर सब कुछ देखना है कि क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।